हेलो गाइज दिस इज वरुण उन्न वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो ऑफ फीरस व्हील्स सो गाइज टुडे वी हैव दिस द यूडाइव वैन्यू 1 लीटर टर्बो BS6 और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले कार का डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू साथ में बात करेंगे कार के फीचर स्पेसिफिकेशन एंड प्राइजेस की और देखेंगे क्या कुछ फीचर्स ये कार आपको ऑफर करती है सो so गाइज ये कार आपको अवेलेबल है टोटल फोर वेरियंट्स में जो कि ये एस एस एक्स और ऑप्शनल और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार के टर्बो वेरिएंट के एस एक्स प्लस की जो कि आपको कार में सेवन स्पीड डी के साथ में आता है और ये एस एक्स प्लस वेरियंट आपको ऑटोमेटिक में टर्बो में टॉप वेन्ट मिलता है और ये कार आपको अवेलेबल है टोटल सिक्स मोनोटोन कलर और फोर डोल्टोन कलर्स में और आप अभी देख रहे हैं कार में डेनम ब्लू कलर ब्लैक इंटीरियर्स के साथ में आपको कार में डोल्टोन इंटीरियर डोल्टोन रूफ का भी ऑप्शन आता है और बात कर लेते हैं कार के सेफ्टी फीचर्स की सो आपको कार में सेफ्टी के लाते हैं डोएल्फ फ्रंट एयरब्स एबीस वी डीबी के साथ में साथ ही में आता है आपको हिल असिस्ट कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल रियर कैमरा पार्किंग सेंसर्स के साथ में सेफ्टी फीचर्स जो कि इस कार को काफी अच्छा पैकेज बनाते हैं और टेक्नोलॉजी फीचर्स में आपको आता है

और आप अभी इस वीडियो में देख रहे हैं एस एक्स प्लस सेवन स्पीड डी सी टी वेरियंट जिसका अप्रोसीमेट ऑन रोड प्राइस है थर्टीन पॉइंट थ्री फोर लैक्स देहरादून में और दोस्तों कार के प्राइसेस के कंफर्मेशन के लिए एक बार आप डीलरशिप से कॉन्टैक्ट जरूर कर लें डीलरशिप की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चलिए अब देख लेते हैं कार की इंजन स्पेसिफिकेशन सो तो आपको आता था कार में वन लीटर थ्री सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो आपको प्रोड्यूस करता है वन ट्वेंटी पी एस की पावर और देता है वन सेवेंटी टू एन एम कट और फिफ्टीन हंड्रेड आरपीएम पे और ये इंजन आपको क्लेम करता है 16 टू 18 के एम की माइलेज और ये इंजन आपको आता है सिक्स स्पीड मैनुअल और सेवन स्पीड डी के साथ में आपको कार में ऑटोमेटिक वेरिएंट सिर्फ टर्बो वेरिएंट्स में ही देखने को मिलेगा और यूंडाई आपको ऑफर करती है वेन्यू में थ्री इयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी अपने कस्टमर्स को और ये आप मेरे हाथ में देख सकते हैं कार की की आपको कार में स्मार्ट की आती है एस एक्स प्लस वेरियंट में जिसमें आपको मिलता है लॉक अनलॉक बूट ओपनिंग और हॉर्न के कंट्रोल्स और ये आप अभी देख सकते हैं कार की फ्रंट प्रोफाइल कार फ्रंट से देखने में आपको काफी ज्यादा स्टाइलिश एंड एसयूवीस लगेगी बात कर लेते हैं कार के हेडलैम्प से तो आपको आते हैं कार में प्रोजेक्टर हेडलैम्प एलईडी डी आर के साथ में साथ ही में आपको ये आता है ऑटो हेडलैम्प फीचर के साथ में और नीचे आपको मिलते हैं कार में प्रोजेक्टर फॉकलैंप्स जो कि कार की नाइट की विजिबिलिटी को काफी ज्यादा इंक्रीज करते हैं और आप अभी देख रहे हैं कार का डुअल टोन फ्रंट बम्पर सिल्वर स्किट प्लेट के साथ में और जो कार में आपको फ्रंट में सबसे ज्यादा अट्रेक्टिव लगेगी वो लगेगी कार फ्रंट ग्रिल या आपको फ्रंट क्रोम ग्रिल आती है जो कि कार के फ्रंट लुक को काफी ज्यादा एनहेंस करती है और अगर हम कंपेयर करते हैं इस कार को कार की सिपलिंग क्रेटा से सो आप देख सकते हैं क्रेटा आपको देखने में ज्यादा प्रीमियम लगती है लेकिन स्टाइलिश आपको सबसे ज्यादा वेन्यू ही लगेगी फ्रंट से चलिए अब बात कर लेते हैं कार की डायमेंशन की सो कार की लेंथ आपको मिलती है थ्री नाइन कार की विद मिलती है वन सेवन और कार की हाइट मिलती है वन सिक्स एमएम टायर साइज आपको आता है कार में 215/60 आर16 का डायमंड कट अलॉयस के साथ में और कार का ग्राउंड क्लीयरेंस आपको आता है 190 एमएम mm का फ्रंट में आपको मिलते हैं डिस्क ब्रेक्स और रियर में मिलते हैं ड्रम ब्रेक्स और यहां फेंडर पे आप देख सकते हैं डीसीटी की ब्रांडिंग और ये आप अभी देख रहे हैं कार की पूरी साइड प्रोफाइल और वी एम्स पाते हैं आपको एलईडी टर्न इंडिकेटर्स और साथ ही में आपको आती है कार में स्पोर्टी रूफ रेस जो कि देखने में अगेन काफी ज्यादा स्पोर्टी लगती है कार के एक्सटीरियर्स में चलिए अब चल लेते हैं कार के इंटीरियर्स की तरफ सो ये आप देख सकते हैं कार के डोर हैंडल्स आपको एस एक्स प्लस में क्रोम डोर हैंडल्स देखने को मिलते हैं रिक्वेस्ट सेंसर्स के साथ में सो गैस ये आप अभी देख सकते हैं कार के इंटीरियर्स आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर्स मिलते हैं सिल्वर एसेंट्स के साथ में जो कि देखने में अगेन काफी ज्यादा स्पोर्टी लगते हैं इंटीरियर्स में और आपको कार में डोल्टोन इंटीरियर्स का भी ऑप्शन आता है लेकिन वो डोल्टोन इंटीरियर्स आपको कार के डोल्टोन एक्सीरियर्स के साथ में ही मिलेंगे अभी हम बात कर लेते हैं कार के फ्रंट के डोर पैनल की सो so ये आप देख सकते हैं डोर पे आपको मिलता है डोर आर्मरेस्ट पावर विंडोज और कार के ओ कंट्रोल्स के साथ में और साथ ही में नीचे आपको मिलता है वन लीटर बॉटल स्टोरेज स्पीकर के साथ ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल्स साथ ही में जो कार का इंटीरियर डोर हैंडल मिलता है ये भी आपको सिल्वर इंसर्ट के साथ में मिलता है और ये आप अभी देख सकते हैं कार की सीट्स आपको कार में फैब्रिक सीट्स आती हैं साथ ही में ये जो फ्रंट सीट्स आती हैं ये भी आपको काफी कंफर्टेबल मिलती है जैसे कि आप देख सकते हैं और आपको कार में ब्लैक अपलोस्ट्री देखने को मिलती है कार की सीट्स में भी कार की फ्रंट सीट के एडजस्टमेंट्स की बात करते हैं तो आपको कार में हाइट सीट एडजस्टमेंट का भी फीचर आता है जो कि अगेन काफी अच्छा कन्वीनियंस फीचर आपको मिलता है कार के अंदर और ये आप अभी देख सकते हैं कार का स्टेयरिंग कॉलम स्टेयरिंग व्हील आपको आता है कार में लेदर स्टेरिंग व्हील साथ ही में स्टेयरिंग व्हील पे आपको मिलते हैं ऑडियो एंड क्रूज कंट्रोल्स जैसे कि आप देख सकते हैं साथ ही में यहाँ पे मिडल में मिलता है यूनडाई का लोगो और ये सिल्वर एसेंट्स जो कि देखने में अगेन काफी ज्यादा अपीलिंग लगते हैं इंटीरियर्स में और यहाँ साइड में आपको आता है कार में इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन प्रेक्शन कंट्रोल स्विच और लाइट एडजस्टमेंट के साथ में और ये आप अभी देख सकते हैं कार के डैशबोर्ड का लेआउट और चलिए अब चल लेते हैं कार के अंदर बात कर लेते हैं कार के फीचर्स एंड डैशबोर्ड की सो गैज मैं अभी आ गया हूँ कार के अंदर और आप अभी देख सकते हैं कार के डैशबोर्ड डैश्बोर। डैशबोर्ड की प्लास्टिक की क्वालिटी आपको काफी अच्छी मिलती है काफी सॉफ्ट प्लास्टिक का यूज़ किया गया है साथ ही में कार के एसी वेंट्स पे मिलते हैं आपको सिल्वर एसेंट्स चलिए बात कर लेते हैं कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की सो मैं अब ऑन करता हूँ कार को सो so, आप जैसी कार को ऑन करते हैं, सो so, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको डिमिंग इफेक्ट के साथ में ऑन होता है सो so, गैस ये आप अभी देख सकते हैं कार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लेफ्ट साइड में आता है आपको टैचो राइट साइड में आता है आपको स्पीडोमीटर और मिडल में मिलते आपको सुपर इन्फॉर्मेटिव टी डिस्प्ले जो कि आपको काफी सारी ड्राइवर एंड वार्निंग शो करती है वन बाई वन बात करेंगे सभी फीचर्स की सो फर्स्ट ये आपको शो करता है ड्राइवर इन्फॉर्मेशन जैसे कि फ्यूल इकोनॉमी एवरेज फ्यूल कंजप्शन साथ ही में ये आपको प्रेजेंट केयर और इंजन रनिंग टाइम वगैरह भी सब शो करता है और आपको इसमें डिजिटल स्पीड भी देखने को मिलेगी साथ ही में आप काफी सारी सेटिंग्स से काफी सारे फीचर्स को ऑन ऑफ और ऑपरेट भी कर सकते हैं इसी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से सो so ओवरऑल आपको कार में काफी इन्फॉर्मेटिव इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है एस एक्स प्लस वेरियंट में जो कि आपको काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो कि आपको कार के ड्राइविंग के वक्त काफी हेल्पफुल रहते हैं बात कर लेते हैं टोगल की सो राइट साइड का टोगल आपको मिलता है लाइट के कंट्रोल के साथ में और लेफ्ट साइड का टोगल आपको आता है वाइपर कंट्रोल्स के साथ में और आप अभी देख सकते हैं कार का सेंटर पैनल सेंटर पैनल पे आपको आती है ये 8 इंचेस की टच स्क्रीन ये आपको एचडी टच स्क्रीन आती है जो आपको सपोर्ट करती है यूएसबी ब्लूटूथ और काफी सारे यूएसबी फोन की कनेक्टिविटी और वन बाय वन हम बात करेंगे उन सब फीचर्स की सो आप अभी देख सकते हैं कार की टच स्क्रीन का लेआउट यहाँ पे आपको ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर भी मिलता है साथ ही में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलती है और आप इससे अपना एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हैं और कार का इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको आता है फोर तो स्पीकर के साथ में साथ ही में आपको आरकेमिस साउंड सिस्टम मिलता है जो कि आपको काफी अच्छी साउंड आउटपुट प्रोवाइड करता है और अभी हम बात कर लेते हैं कार के रिवर्स कैमरा की के डिस्प्ले की सो आप देख सकते हैं कार का रियर कैमरा साथ ही में आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स की गाइडलाइंस भी आती हैं और आपको कार में जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसमें आपको गेयर भी शो होता है कि अभी आप देख सकते हैं जैसे ऊपर आर लिखा आ रहा है सो ओवरऑल आपको काफ़ी अच्छे टच स्क्रीन कार के अंदर मिलता है और टच स्क्रीन के ठीक नीचे आपको टच स्क्रीन के कंट्रोल्स भी देखने को मिलते हैं यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक का ये इंसर्ट देखने को आता है जो कि देखने में अगेन काफ़ी अच्छा लगता है काफ़ी अच्छा आपको सेंटर लेआउट मिलता है कार के अंदर अभी बात कर लेते हैं कार के सेंटर कंसोल की सो सेंटर कंसोल में आपको आता है कार में ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल ए सी पोलन फिल्टर्स के साथ में और यहाँ पर आपको मिलते हैं ट्वेल्व बी पावर पोर्ट यू पोर्ट्स और इस कार में काफ़ी अच्छा फीचर आता है जो कि है वायरलेस फोन चार्जिंग क्योंकि मुझे पर्सनली काफी अच्छा फीचर लगता है कार के अंदर और इस सेगमेंट में आपको दूसरी किसी कार में भी नहीं देखने को मिलता है यहाँ पर भी देख सकते हैं कार के सेंटर कंसोल का लेआउट आपको टू इन कप होल्डर्स आते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं कार का स्मार्ट एयर प्यूरीफायर अगेन ये फीचर भी आपको इस सेगमेंट की दूसरी किसी कार में नहीं देखने को मिलता है और अभी सेंटर में आप देख सकते हैं सेंटर आमरेस्ट स्टोरेज के साथ में सेंटर आमरेस्ट आपको स्लाइडिंग के साथ में मिलता है एस ऑप्शनल वेरियंट में सो यह था कार के सेंटर कंसोल का लेआउट चलिए अब बात कर लेते हैं कार के इंटीरियर की यूटिलिटी स्पेसिस की पे आपको डैशबोर्ड पे मिलता है फोन स्टोरेज साथ ही में फ्रंट के दोनों ही डोर्स पे आपको मिलता है वन लीटर बोतल स्टोरेज और ये आप अभी देख सकते हैं कार का ग्लव बॉक्स आपको काफी अच्छे साइज के साथ में आता है कूल्ड ग्लव बॉक्स जो कि अगेन काफ़ी अच्छा फीचर आपको मिलता है यूनडाई वेन्यू के अंदर सो कार के इंटीरियर की क्वालिटी और कार के इंटीरियर फीचर्स तो आपको काफ़ी अच्छे मिलते हैं कार के सेगमेंट के हिसाब से और आप अभी देख सकते हैं कार का आई आर वी आपको मैनुअल डे नाइट फीचर के साथ में आता है साथ ही में इसमें आपको यूनडाई के जो आई ब्लू ऐप है उसकी कनेक्टिविटी फ़ीचर्स भी इसी पे ही मिलते हैं और ये आप अभी देख सकते हैं कार का रूफ कंसोल यहाँ पर आपको कैबिन लैम्स आते हैं साथ ही में यहाँ मिडल में मिलता है आपको सन का फीचर ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कार में इलेक्ट्रिक सन रूफ भी आता है साथ ही में रूफ में आप ये देख रहे हैं रूफ माइक सो अगेन मैं यही बोलना चाहूंगा कार के इंटीरियर की क्वालिटी और फीचर्स आपको काफी अच्छे लगेंगे जब आप कार के अंदर आ करके बैठेंगे और ये आप भी देख सकते हैं कार का सनशेड राइट साइड के सनशेड पे आपको आता है टिकट होल्डर और लेफ्ट साइड के सनशेड पे आपको आता है वैनिटी मिरर सो गाइस ये तो कार के फ्रंट कैबिन के ओवरऑल फीचर्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कार के फीचर्स और इंटीरियर्स का और आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आप लोगों को कार के इंटीरियर्स और फीचर्स कैसे लगे अभी बात कर लेते हैं कार के स्टेरिंग कॉलम के एडजस्टमेंट की सो आपको कार में सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट आता है चलिए अब चल लेते हैं कार की रियर सीट्स की तरफ सो so गाइस ये आप अभी देख सकते हैं कार का रियर कैबिन कार की इंटीरियर के साइज के हिसाब से आपको कार की रियर सीट पे जो स्पेस आता है ये भी आपको डिसेंट मिलता है जैसे कि आप अभी देख सकते हैं और चलिए अब बात कर लेते हैं कार के रियर डोर पैनल की सो ये आप देख सकते हैं रियर डोर पैनल रियर डोर पैनल पे भी आपको डोर आमरेस्ट मिलता है वन लीटर बोटल स्टोरेज और स्पीकर के साथ में और ये आप अभी देख सकते हैं कार के रियर कैबिन का लेआउट अभी बात कर लेते हैं सीट्स की सो so, आप देख सकते हैं आपको ये बेंच फोल्डिंग सीट्स आती हैं इसमें आपको 60 40 सीट स्प्लिट का ऑप्शन नहीं आता है और कार के रियर पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए आपको रियर में सीट बेल्ट भी देखने को मिलती है और ये आप अभी देख सकते हैं कार के रियर एसी वेंट सिल्वर इंसर्ट्स के साथ में अभी बात कर लेते हैं कार के रियर के कम्फर्ट फीचर की तो रियर की सीट पर आपको एडजस्टेबल हेडवेस्ट मिलते हैं लेकिन आपको इस वेरियंट में सेंटर आमरेस का फीचर नहीं आता है सेंटर आमरेस का फीचर आपको मिलेगा एस ऑप्शनल वेरियंट में और ये आप अभी देख सकते हैं कार के ए वेंट्स और यहाँ नीचे आपको मिलता है ट्वेल्व का पावर पोर्ट अगर आप देख पा रहे अच्छे से सो आप देख सकते हैं ये है कार का रियर कैबिन चलिए चल लेते हैं कार की रियर प्रोफाइल की तरफ सो गाइज आप अभी देख सकते हैं कार की रियर प्रोफाइल फ्रंट की तरह कार रियर से भी देखने में काफी ज्यादा स्टाइलिश लगती है और सबसे ज्यादा एट्रैक्टिव जो आपको मिलता है कार में वो मिलते हैं रियर के टेल लैम्प या आपको क्रिस्टल इफेक्ट में मिलते हैं एलईडी टेल लैम्प जो कि रात में देखने में काफी अच्छे लगते हैं मिडल में आपको मिलता है यूडाई वेन्यू का लोगो साथ ही में यहाँ नीचे आपको मिलती है टर्बो की ब्रांडिंग और ये आप अभी देख सकते हैं कार का रियर टोन बंपर रियर में आपको टोन बम्पर आता है सिल्वर स्किट प्लेट के साथ में जो कि देखने में अगेन काफी ज्यादा स्पोर्टी लगता है रियर में आपको इंडिकेटेड स्पॉयलर भी देखने को मिलता है शार्पविन एंटीना के साथ में और इसमें आपको एस प्लस में दो फीचर मिसिंग है जो कि है कार के रियर वाइपर और रियर विंडो वॉशर आपको रियर विंडो का डिफोगर जरूर आता है चलिए अब बात कर लेते हैं कार के रियर बूट स्पेस की सो गाइस यहाँ पर भी देख सकते हैं कार का बूट स्पेस आपको 350 लीटर की मिलती है रियर में कार्गो वॉल्यूम साथ ही में एडिशनल स्टोरेज के लिए आपको रियर में पार्सल ट्रे का भी ऑप्शन आता है और ये आप अभी देख सकते हैं कार के रियर के बूट स्पेस का पूरा लेआउट साथ में यहाँ पे आपको मिलती है ट्रंक लाइट जो कि आपको अच्छा कन्वीनियंस फीचर आता है और जो कार के रियर के बूट की पैकेजिंग मिलती है ये भी आपको काफी अच्छी मिलती है सारी चीजें अच्छे से कवर की गई हैं और आप अभी देख सकते हैं कार का स्पेयर व्हील आपको स्टील स्पेयर व्हील आता है आर फिफ्टीन टायर साइज के साथ में सो गैस ये तो था कार के इंटर स्पेसिज एंड फीचर्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आइडिया लग गया होगा और अब बात कर लेते हैं यूनडाई वेन्यू की सो so इस वेन्यू आपको ओवरऑल काफ़ी अच्छे लुक्स प्रोवाइड करती है साथ ही में आपको काफ़ी अच्छे स्मार्ट फीचर्स भी देखने को मिलते हैं और यूनडाई वेन्यू के अंदर सबसे ज़्यादा जो सेल होने वाला वेरियंट है वो है ये टर्बो वेरियंट काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है ये कार का टर्बो वेरियंट आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को ये कार कैसी लगी और दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो आप लोग मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आप लोग रहे मेरी तरह ऑटो वर्ल्ड से अपडेट सो so सोज आज के लिए बस इतना ही उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और नई कार किसी और नई वीडियो में तब तक के लिए कीप वॉचिंग फ्यूरियस व्हील्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो